टीम इंडिया अभी इंग्लैंड में T20 और वनडे सीरीज खेल रही है। इसके बाद वेस्टइंडीज का दौरा होना है, जिसके लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को आराम मिला है और शिखर धवन कप्तान बनाए गए हैं। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विराट कोहली ने इस सीरीज के लिए खुद ही आराम मांगा था। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली ने ही BCCI टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर से अपील की थी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले सीरीज के लिए उनका नाम नहीं दिया जाए, क्योंकि वो ब्रेक चाहते हैं। हालांकि ये दावा इस रिपोर्ट में ही किया गया है। क्या किसी खिलाड़ी ने ब्रेक मांगा था या नहीं, इसको लेकर BCCI की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सीरीज से टीम इंडिया एक तरह से T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के मिशन मोड में आ जाएगी। विराट कोहली वर्ल्ड कप के लिए अहम प्लेयर होंगे, लेकिन वो बार बार ब्रेक पर जा रहे हैं। IPL के बाद हुई साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान विराट कोहली ब्रेक पर थे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में भी विराट कोहली नहीं खेलेंगे। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से वो बाहर है और T20 सीरीज में खेलेंगे या नहीं ये भी तय नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली ने अपने खराब फॉर्म के चलते ये डिसीजन लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आराम लेने के बाद विराट कोहली का फॉर्म कैसा रहता है। हालांकि आपको पता हो कि वेस्टइंडीज दौरे के लिए जब वनडे टीम का ऐलान हुआ, तब शिखर धवन को कप्तान और रविंद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया। 3 मैच की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, KL राहुल को आराम दिया गया। भारत और वेस्टइंडीज वनडे सीरीज की बात की जाए तो पहला वनडे 22 जुलाई को होगा, दूसरा वनडे 24 जुलाई को होगा, तीसरा वनडे 27 जुलाई को होगा। हालांकि विराट कोहली के डिसीजन को लेकर आपका क्या कहना है, अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।